नमस्कार, मैं दुर्गा प्रसाद। आप देखना शुरू कर चुके हैं मुनादी न्यूज। आज हम रायगढ़ जिले के सूरजगढ़ गांव में हैं। ये है बाढ़ प्रभावित गांव। कुछ दिनों तक यहां पे लोगों की सुगबुगाहट, लोगों का शोर शराबा, हाव हल्ला सब सुनाई देता था, लेकिन आज ये गलियारे सुन हो चुके हैं। ये मैं हमारे कैमरा मैन प्रदीप भाई से निवेदन करूँगा, दिखाएंगे गाँव को। गाँव अभी पूरा का पूरा सुना दिख रहा है। दो चार लोग ही हैं यहाँ के, लोग सभी को राहत शिविर में भेजा गया है। और यहाँ की स्थिति अभी ये है कि सड़कों पे भी पानी दिखाई दे रहा है, घर भी डूबे हुए लग रहे हैं। और ये भाई साहब मिले हैं। भैया आप इसी गांव से हैं? इसी गांव से। तो बाकी लोग तो राहत शिविर में हैं, आप यहीं हैं? हाँ, अभी घर और साफ करने के लिए आए हैं। अच्छा, घर साफ करने के लिए। हाँ। तो ये हर साल का है या फिर कभी कभी होता है? हर साल भी हो जाता है, नहीं तो तीन चार साल पाँच साल में भी होता है। अच्छा अच्छा। बारिश के इस बार ज्यादा है या पिछले बार ज्यादा होता है? इस बार ज्यादा है। इस बार ज्यादा है। हाँ। तो घर वर में डूबने से आप इधर तो खेती वेती करते नहीं हो, आप लोग तो माझी केवल मछली? हाँ, नहीं, खेती करने वाले भी किसान लोग भी हैं। अच्छा अच्छा। बहुत नुकसान भी हुआ उन लोगों का। आप लोग मछली का व्यवसाय करते हैं? हम लोग मझिया लोग तो मछली मारते हैं। तो ये मछली मारने का व्यवसाय प्रभावित होता है क्या इससे बाढ़ आने पर? हाँ, बहुत तकलीफ होता है। मतलब अभी आप कितने दिनों तक और अपना मछली पकड़ नहीं पाएंगे? अभी पानी कम से कम घटते तक, पानी घटते तक। और ये अभी तो पानी बारिश का महीना है। हाँ, इसके महीने भर करीबन आप लोगों को दिक्कत? हाँ, दिक्कत होता है बारिश के महीने भर। हर बार होती है दिक्कत? हाँ, हर बार होती है। तो इस दौरान आप लोग क्या करते हैं? इस दौरान क्या करोगे? और जब भी बाढ़ आने से तो भागना पड़ेगा घर से। हाँ हाँ। डूबता है पूरा घर, सब किला है जी, सब लोगों का घर। उतर जाने के बाद में जैसे भी स्थिति नॉर्मल दिखाई दे रही है। हाँ। इसके बाद में आपको मछली? हाँ, हाँ, उसके बाद बनता है। उसके बाद बनता है। हाँ। नदी में तो अभी पानी बहुत दिख रहा है इसमें आप? हाँ, अभी मछली मारने ले जा रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा परेशानी दिक्कत भी है। जब पानी घटने से तब अच्छा रहता है। अच्छा अच्छा। आपको शुभ नाम भैया? कमल माझी। कमल माझी। नदी के साइड देखेंगे, नदी का पानी पूरा। ये स्कूल है? हाँ, ये आंगनबाड़ी है। हाँ, ये आंगनबाड़ी है। और ये देखिए, नदी का जल स्तर यहाँ तक पूरा आ चुका है। ये हमारी महानदी है। ठीक है भैया। अब की बारिश से ये कर्जियाँ होना ही था, अपनी कच्ची बस्तियों को बेनिशा होना ही था। मोहसिन नकवी की ये शेर है। ये शेर बाढ़ पीड़ितों के लिए सटीक बैठती है। अभी हमारे पीछे में आप देखिए, हम इस वक्त हैं रायगढ़ जिले के पुरत गांव में। अभी बीते तीन दिनों से यहाँ पे पानी भरा हुआ था। अभी आज ही की बात है पानी डाउन हुआ है। यहाँ के लोकल लोगों से हम बात करके समझते हैं उनकी समस्याएँ। जी भैया नमस्कार। नमस्कार जी, बताएंगे। हाँ। यहाँ पे मतलब अभी बाढ़ कब से है? बाढ़ तो अगले सोमवार से बाढ़ हो गया है। अच्छा, एक सप्ताह से? हाँ, एक हफ्ता हो गया। अच्छा अच्छा। हाँ, और भाग गए हम, डूब गया हमारा घर बस्ती। अच्छा अच्छा। हाँ, बाहर जाके रह रहे हैं? बाहर जाके रह रहे हैं। अब खाना पीना नहीं मिल रहा है अभी, कुछ सुविधा भी नहीं हो रहा है। खाना पीना भी नहीं मिल रहा? कुछ नहीं मिल रहा है। तो शासन जो राहत कैंप लगा रही है, आप लोग राहत शिविर में क्यों नहीं जा रहे? कुल कल एक दिन दिया था। हाँ। बाकी सब बंद। एक दिन खाना दिया था? नहीं, चावल दिया है। चावल दिया था। हाँ। उसके बाद बंद कर दिया? बंद कर दिया। अच्छा, आप लोगों का मेन व्यवसाय वैसे मछली पकड़ना ही है? हाँ, मछली पकड़ना है। तो अभी मछली पकड़ना ही बंद होगा? बंद हो गया है, एक हफ्ता पूरा बंद हो गया है। तो अभी शासन से ही मदद नहीं मिल पा? हाँ, न कुछ नहीं हो रहा है। आप लोग अपना घर कैसे चला रहे हैं ऐसे लाख बरमस करके? अब क्या करेंगे? तो ये घर घर अभी जो दिख रहे हैं। हाँ। बिखरे हुए, तो इनमें छोड़कर के आप राहत शिविर वगैरह जो लगे हैं शासन के? हाँ। उनमें आप जा सकते हैं? अभी तो कलेक्टर का भी दौरा हुआ था यहाँ, कलेक्टर एसपी का। हाँ। हाँ। इनके नाम थी विधायक आया था। पानी के बाद नहीं आ सके। अच्छा, भाग्य। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उसके बाद शासन के कोई अधिकारी आप लोगों की सुध लेने के लिए आए कि पूछने के लिए कि यहाँ पे क्या व्यवस्था है? खाली वो आ रही थे, वो प्रकाश जो विधायक है वो आ रही है। नहीं नहीं, इतना से वो सीओ सीओ आ रही थे, नहीं पूछे हम। सीओ आ रही है? सीओ आ रही। हाँ, सीओ साहब आ रही, विधायक आ रही। और इधर आए निवन पानी भर तो नहीं आई। अच्छा, उधर बाहर बाहर ही चल गई। अच्छा।
हाँ किसी भाषा में बात कर सकते हैं, अपनी जो मातृभाषा है उसमें बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपका नाम क्या है भैया? तेज राम मांझी। तेज राम मांझी, हाँ। अच्छा अच्छा, तो आपका घर कौन सा हो? मेरा वाला मकान वो वाला है, वो प्लास्टिक वाला। अच्छा अच्छा, ऊपर जो टेंट? नहीं नहीं नहीं, नीचे वाला, राइट साइड वाला। राइट साइड वाला। तो पानी पूरा भरा हुआ था? हाँ पानी पूरा, हाँ तीन दिन पहले पूरा। वापस आ गए? हाँ वापस आ गए। कैसे हो फिर आप? पानी भरा रहता है ऐसी स्थिति तो हट्टा सा जाता है पानी, भागने के लिए भी मौका नहीं मिलता है। अच्छा अचानक से? हाँ अचानक से आ जाता है। बाद में आप लोग कैसे करते हैं? घरज में रहते हैं, नाव है हमारा। अच्छा अच्छा, हाँ नाव से इधर उधर जाते हैं। नाव से गांव में घूमते? हाँ गांव में घूमते रहते हैं। तो पानी तो कई कई बार दो दो तीन तीन दिन तक रुक जाता है? हाँ पूरा दो तीन तीन दिन तक रह जाता है। फिर खाना पीना ये सब कैसे करते हैं? खाना पीना सब ऐसे चलता है, दो तीन दिन तक कुछ नहीं, हाँ नाव में ही खाते पीते हैं। अच्छा 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 अच्छा, चलिए ठीक है। नौ दिखाएगा पीवा के ना तरफ। नाम बताएंगे? राम कुमार परिक, ग्राम पंचायत पूरा सरपंच। अच्छा, अभी गांव में कितने दिनों से पानी भरा हुआ है? गांव से लगभग तो हफ्ता दस दिन हो गया है। अच्छा अच्छा, शासन से कुछ मदद मिल पा रही है? अभी तक तो नहीं, कुछ नहीं मिला है, लेकिन कल से वो लोग तो प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर सर लाए थे सूखा राशन सामान, तो उसको हम लोग बंटवारा किए हैं। और एक क्विंटल चावल लाए थे और हम लोग जाके सरिया से खरीद कर लाए थे राशन सामान। अच्छा, ये कुछ आपके गांव के कुछ ग्रामीणों का कहना था कि उन तक उनको सूखा राशन नहीं मिल पाया है, सरपंच इधर आए नहीं है। नहीं वो गलत है कि जिनका घर में पानी गया है, जो नहीं सुनिए ना, जिनका घर में पानी गया है वास्तविक में, उन्हीं को तरह ऊपर से आर्डर आया था कि तरह जिनका घर में पानी गया है वो लोग जो वहाँ कैप पे स्कूल के ऊपर हैं उन्हीं को बस तरह देना है, बाकी लोग जो उनका घर में पानी नहीं घुसा है उनको नहीं देना है, ऐसे शासन से आदेश आया था। अच्छा अच्छा, और खुद हम अभी जिस जगह से आ रहे हैं वहाँ घर टूटा हुआ है पानी से, घरों में पानी घुसा, वो सब लोग स्कूल ऊपर में है, उनको राशन भी मिला। जिनके घरों में पानी घुसा हुआ उन लोग अभी मौजूद है? वो अभी उनको राशन नहीं? नहीं वो गलत है, वो लोग उनको दिए हैं हम लोग, अभी वो लोग सुबह से आए हैं, मैं उनको वहाँ पे जाके कल राशन दिया हूँ, परसों राशन दिया हूँ, और आज फिर शाम को खाना बनाएगा वहाँ, वो लोग वहाँ जाके कैंप में है उनको दिया? हाँ उन्हें भी दिया जाए, उन्हें भी नहीं मिला क्योंकि उनका घर क्योंकि सूखा है। और फूड इंस्पेक्टर का ऑर्डर है? फूड इंस्पेक्टर का ऑर्डर है, और एडीएम सर का भी ऑर्डर है, तहसीलदार सर का ऑर्डर है। वो लोग बोले कि जिनका घर में पानी घुसा है, जो लोग जिनका घर में रहने के लिए वो जगह नहीं है, वो वहाँ जाके कैंप में रह रहे हैं, उनके लिए बस राशन रहे। बाकी लोग वो एक क्विंटल चावल लाए थे, बाकी मैं अपना से लेके गया हूँ, जो यहाँ हमारे लोग देते हैं ये बंटवारा करता है राशन सामान, उनसे मैं ले आया हूँ चावल एक क्विंटल, और एक क्विंटल वो दी थी, मतलब दो क्विंटल चावल। कितना कितना दिए परिवार? एक एक परिवार को दो दो के जी हिसाब से दिए हैं। हाँ, और बड़ी लाए थे, क्या बोलते, दाल लाए थे, सोयाबीन बड़ी लाए थे, दाल लाए थे, प्याज लाए थे, आलू सब दिए हैं बंटवारा के, सूखा राशन सामान, क्योंकि खाना बनाने के लिए मैं बोला तो वो लोग बोले कि हम लोग सूखे में हैं, हम लोग खुद बना लेंगे बोले, और उनको सब राशन में वितरण किया हूँ कल, था वो स्टाफ वाले भी थे, थाना स्टाफ वाले। हाँ देखिए, इनका ये कहना है कि फूड इंस्पेक्टर ने, एसडीएम ने, तहसीलदार ने मना किया हुआ है कि जो जिनके घरों में पानी घुसा हुआ है उन्हीं को, या फिर सीधे सीधे जो कैंप में है उनको दिया जाए। हमने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था कि किस तरह से लोगों के घर टूटे हुए हैं, लोग भुखमरी में जी रहे हैं, उनके व्यवसाय ठप हो चुके हैं, वो चाह रहे हैं शासन से किसी तरह मदद मिले, लेकिन शासन का ऐसा इस तरह से गैर जिम्मेदाराना रवैया देखने को मिल रहा है। शासन बोल रही है कि जो कैंप में रह रहे हैं उन्हीं को मिलेगा, तो जो अभी अपने घरों में रह रहे हैं, घर को छोड़ करके जाना नहीं चाहता है, जिनके घर टूट चुके हैं बारिश में, बारिश का बाढ़ की पानी जिनके ऊपर कहर बनकर टूटी है, उनको शासन मदद नहीं करेगी, तो शासन मदद करेगी कैंप में रहने वालों को, ये शासन का आदेश है, जैसा कि सरपंच साहब यहाँ बता रहे हैं। जी धन्यवाद।